दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अच्छी कंपनी के स्मार्टफोन आप बहुत ही कम बजट में खरीद सकते हो, वो भी 5,500 रुपये में, तो शायद आप मेरे ऊपर यकीन नहीं करोगे। लेकिन पहले नंबर का जो स्मार्टफोन है वो इतना सस्ता है जिसकी कीमत जानकर आप खुद हैरान हो जाओगे। दोस्तों, ये मजाक नहीं, ये सच है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तीसरे नंबर पे रहेगा हमारा स्मार्टफोन पोको C50, जो कि बहुत ही कम बजट में 3-4 महीने पहले ही लॉन्च हो चुका है। और ये स्मार्टफोन बहुत ही कम बजट में अच्छे स्पेसिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा, 6.1 इंच की डिस्प्ले भी मिलेगी और 5000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी। चलिए मैं आपको शॉर्टकट में अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में आपको दिखेगा येलो कलर का बॉक्स जिसमें रहेगा हमारा फोन, थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रख देती है। बाकी इसमें 10 वॉट का चार्जर भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ रहेगी हमारी एक माइक्रो USB केबल। अगर फोन के डिजाइन की बात करें तो बैक में लेजर टेक्सचर देखने को मिलेगा। इतने में ऐसा लगता है अगर आप इस फोन से किसी से बात करोगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये 5,500 रुपये का फोन है। मेरे अनुमान से 5,500 रुपये के बजट में बहुत ही अच्छा फोन है। एंड्रॉइड 12 का वर्जन दिया हुआ है, उसी के साथ उसमें एक सिंगल स्पीकर भी रहेगा। प्रैक्टिकली हम चेक करते हैं और देखते हैं इस फोन में सिंगल स्पीकर का कितना दम है। कोई स्पीकर की आवाज अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे की बात करें तो बैक में आपको 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रहेगा, जो कि इतने कम बजट में बहुत ही सरप्राइज कैमरा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो कैमरा क्वालिटी है बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है, आप प्रैक्टिकली चेक करके भी देख सकते हो। इसके साथ अगर आप वीडियो क्रिएटर हो और इस फोन को आप खरीदना चाहते हो तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि HD क्वालिटी से वीडियो शूट भी कर सकते हो और ये कम बजट में बहुत ही अच्छा फोन है। अभी हम बात करेंगे उसके सेल्फी कैमरे की। उसका जो सेल्फी कैमरा है वो भी बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है। जिस तरीके से उसका जो कैमरा क्वालिटी है, कोई ये नहीं कहेगा कि उसका सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। वाकई में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सेल्फी भी ले सकते हो। रही बात, ये फोन 4G रहेगा। रैम रोम की बात करें तो 2GB रैम रहेगी और 32GB का स्टोरेज रहेगा। यार, इतने कम बजट में वो भी 5,500 रुपये में क्या आता है। और हाँ, इस फोन के प्राइस की अगर बात करें तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, फोन की प्राइस बढ़ती रहती है और घटती भी रहती है। मैं जिस वक्त वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त उसकी प्राइस है 5,500 रुपये और आज की तारीख है 10 तारीख। क्या पता जिस वक्त मेरा वीडियो रेडी हो जाए और मैं अपलोड करूँ उस वक्त उसकी प्राइस घट जाए या फिर बढ़ जाए। अगर आप फ्लिपकार्ट से खरीदोगे तो आपको 5,500 रुपये में गिरेगा और अमेजोन से खरीदोगे तो आपको 6,000 रुपये में पड़ेगा। तो अभी का भी इस फोन को खरीदना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हो। तो सेकंड नंबर पे हमारा स्मार्टफोन रहेगा आईटेल A60। उसका भी प्राइस सेम है, ओनली 6,000 रुपये। शायद आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं होगा लेकिन आज भी 6,000 रुपये में ऐसे ऐसे फोन लॉन्च हो रहे हैं जो दिखने में काफी हद तक बहुत ही स्मार्ट है। ऐसा नहीं है कि इसकी कीमत पहले ज्यादा थी और अभी इसकी कीमत कम कर दी गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्मार्टफोन 3 महीने पहले ही आईटेल कंपनी ने लॉन्च किया था, जिसकी कीमत पहले भी 6,000 रुपये थी और अभी भी 6,000 रुपये है। अब हम आपको डिटेल में बताएंगे इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, कितने मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा और कितनी इसकी बैटरी रहेगी। सब कुछ मैं आपको डिटेल में अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। इस तरीके से रेड और ऑरेंज कलर का कम्युनिकेशन बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर मुझे एक चीज देखने को मिली, 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 6,000 रुपये के बजट में अगर आपको ये वाली फैसिलिटी मिल रही है, 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो ये रहेगा हमारा स्मार्टफोन। तो फोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती है और इसके अंदर आपको एक कवर देखने को मिलेगा और ये हार्ड प्लास्टिक कवर है जो काफी अच्छी क्वालिटी वाला है और इतना जल्दी पीला नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपको यूजर मैनुअल देखने को मिलेंगे, चाहे तो आप रीड कर सकते हो। 5 वॉट का चार्जर है और उसी के साथ माइक्रो USB केबल भी देखने को मिलेगी। तो इन सबको रखते हैं हम साइड में, तो अभी हम बात करेंगे हमारे स्मार्टफोन की। तो हमारा फोन आएगा ग्रीन कलर में, इसके बैक में लेजर बना हुआ है। अगर आप रफ यूज करोगे तो फिर भी इसके ऊपर स्क्रैच आने वाले नहीं है। अगर कहीं पर भी हमारा फोन गिर गया तो घबराने की जरूरत नहीं, स्क्रैच आने वाले नहीं है। बोले तो 6,000 रुपये में जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छी लगी। डिस्प्ले 6.6 इंच की HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ आपको वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिलेगा, वो भी 6,000 रुपये के बजट में, बहुत ही अच्छी बात है। उसका जो आउटडोर का जो ब्राइटनेस है मुझे ठीक ठाक लगा। जो लोग स्टूडेंट है या फिर आपके पास में कम बजट है और अच्छा फोन खरीदना चाहते हो तो गारंटी देता हूँ ये वाला फोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। एक चीज मुझे कंफ्यूजन लग रही थी कि इतने कम बजट में फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट है या पर कैमरा मॉड्यूल के अंदर उसको इंटीग्रेट किया हुआ है और उसकी स्पीड भी काफी अच्छी है।
बाकी इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और इतना भारी बैटरी होने के बावजूद भी जब आप इस फोन को हाथ में लोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये भारी भरकम फोन है, ये बहुत ही लाइट वेट फील करवाएगा। नॉर्मली अगर आप इस फोन को यूज करोगे, अगर आप गेमिंग वगैरह करोगे, फिर भी एक दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिलेगा। 5 वॉट का चार्जर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फोन को चार्ज करोगे तो डेफिनेटली काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन 6000 रुपये के बजट में अगर आप फोन ले रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको कम्प्रोमाइज करना तो पड़ेगा ही। तो अभी हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की। आप सोच रहे होंगे 6000 रुपये के बजट में ये स्मार्टफोन क्या परफॉर्मेंस देगा, तो देखो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें आपको 2GB रैम मिलेगी और 32GB का मेमोरी मिलेगा, बाकी ट्रिपल सिम का स्लॉट दे रखा है, इसमें 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड को यूज कर सकते हो। ये बात 128GB तक आप अपना स्टोर एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। बाकी आपको इसमें एंड्रॉइड 12 का वर्जन भी देखने को मिलेगा। इसका फायदा ये होगा आप इजीली यूज कर सकते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम भी फोन यूज कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी क्या है ना, आजकल जितने भी फोन आ रहे हैं गूगल डायलर रहता है, जब आप किसी को कॉल करते हो तो सामने वालों को पता चल जाता है कि आपके फोन में कॉल रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन इस फोन के अंदर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। इसमें एक और चीज जो मैंने आपको नहीं बताई, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ साथ आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। बाकी अगर प्रोसेसर की बात करें तो क्वाड कोर का यूनिशॉक प्रोसेसर है जो कि 1.4GHz पे काम करता है और ये काफी सिंपल और काफी बेसिक प्रोसेसर है। अगर आप इजीली कोई वर्क करते हो तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ काम कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो या फिर व्हाट्सएप चला रहे हो, यानी कि अगर आप कोई भी नॉर्मल एक्टिविटीज करोगे तो फोन इजीली वर्क करेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो और आप ये सोचकर फोन खरीद रहे हो, हाँ इसमें मैं बड़े बड़े गेम खेलूंगा, तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि यार सिर्फ 6000 रुपये का फोन है ये। इस बजट में अगर आपको फोन मिल रहा है तो वो बहुत ही बड़ी बात है। तो फाइनली अभी हम बात करेंगे कैमरे की। इसका जो कैमरा मॉड्यूल है देखकर सब लोग कंफ्यूज हो जाती है कि इसके अंदर 2 कैमरे होंगे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, एक लेंस देखने को मिलेगी और एक फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी। फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 5 मेगापिक्सल का कैमरा। प्रैक्टिकली मैंने बैक कैमरे से कई सारी फोटो खींची और काफी हद तक मुझे अच्छी लगी। अगर आप किसी फोटो को कैप्चर करोगे और फोटो को जूम करोगे फिर भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और सेल्फी कैमरे की बात करें तो उससे भी मैंने कई सारी फोटो खींची है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो सेल्फी कैमरा भी आपको 6000 रुपये के बजट में आपको निराश नहीं करेगा। प्रैक्टिकली मैंने कई सारी फोटो कैप्चर की है और कई जगह पे उसकी क्वालिटी अच्छी आ रही है और कई जगह पे क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। बाकी यार 6000 रुपये के बजट में आता ही किया है। इस फोन से वीडियो शूट भी करना चाहते हो तो बैक में आपको फुल HD प्लस क्वालिटी वाला वीडियो शूट भी कर सकते हो और फ्रंट से HD प्लस वाली क्वालिटी वीडियो शूट भी कर सकते हो। कुल मिलाकर मैं यही बोलूंगा, अगर आपके पास में बजट कम है और अच्छा फोन खरीदना चाहते हो वो भी 6000 रुपये वाला, तो आईटेल का ये स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर रहेगा। आप ऑनलाइन स्टोर अमेजोन से ये स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो तो आपको 6000 रुपये में मिल जाएगा, या फिर अगर आप ऑफलाइन खरीदोगे तो हो सकता है आपको 200 रुपये ज्यादा लगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप विजिट कर सकते हो। तो नंबर 1 वाला ये फोन इतना सस्ता है कि आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। आप लोग सोचते होंगे कि 6500 रुपये के बजट में अच्छा स्मार्टफोन आता भी होगा या नहीं, तो क्लियर कर देता हूँ, जो मेरे हाथ में ये फोन दिख रहा है ये 6500 रुपये का स्मार्टफोन है, आईटेल का A23S। शॉर्ट में आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखेगा व्हाइट एंड रेड मिक्सिंग वाला एक बॉक्स जिसपे लिखा हुआ आईटेल A23S। इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखेगा आईटेल का ये स्मार्टफोन, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और उसके बाद आपको दिखेगा एक कवर। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 5 वॉट का चार्जर, उसके साथ आपको मिलेगी ब्लैक कलर की माइक्रो USB केबल। उसके बाद आपको बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 3200 mAh की है। तो फाइनली आपको यूजर मैनुअल भी देखने को मिलेंगे। हम बात करेंगे हमारे स्मार्टफोन की तो देख सकते हो ऊपर नीचे काफी बड़े बड़े बेजल्स देखने को मिलेंगे। बीच में आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी, बैक साइड में आपको प्लास्टिक बॉडी ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ दिखेगी। पीछे की तरफ आपको कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा और इसका कैमरा रहेगा 2 मेगापिक्सल और इसके नीचे रहेगी फ्लैश लाइट। तो इस बजट में अगर आपको स्मार्टफोन मिल रहा है तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप इतने सस्ते में फोन ले रहे हो तो इसके कैमरे पे मत जाइए। अगर आप नॉर्मली काम चलाना चाहते हो तो ये फोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। फ्रंट में आपको कैमरा मिलेगा 0.3 मेगापिक्सल का, मतलब ये नहीं आप सेल्फी लोगे और इसकी क्वालिटी खराब आएगी। आप सेल्फी ले सकते हो लेकिन वो वाली क्वालिटी नहीं आएगी जो बड़े बड़े स्मार्टफोन में सेल्फी की क्वालिटी आती है।
अगर आप पहले कोई बड़ा या हाई क्वालिटी का स्मार्टफोन यूज कर रहे थे और उसके बाद अगर आप ये यूज करोगे शायद इसका कैमरा क्वालिटी आपको खराब लग सकती है। लेकिन अगर आप लाइफ में पहली बार स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो आपके लिए ये स्मार्टफोन एक सरप्राइज होगा, क्योंकि नोकिया कंपनी एक जमाने में भी 6,500 रुपए में सिर्फ कीपैड फोन लॉन्च कर रही है। अगर उसकी जगह पे 6,500 रुपए में स्मार्टफोन अगर आपको मिल रहा है तो कितनी अच्छी बात है। तो अभी हम फोन की बैटरी को इंसर्ट करते हैं और फोन को चालू करके दिखाते हैं। साइड में आपको दो सिम कार्ड के स्लॉट देखने को मिलेंगे, ऊपर की तरफ आपको एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलेगा और फाइनली अभी हमारा फोन शुरू हो चुका है। तो देख सकते हो आइडल की ब्रांडिंग भी आ गई है और ये पावर बाई गो एडिशन पे इसका सॉफ्टवेयर बेस्ट है। इसमें आपको 5 इंच की TFT डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम इस फोन की सेटिंग को ओपन करते हैं और यहाँ पर सब कुछ आपको दिख जाएगा। स्क्रीन जो कि 5 इंच की रहेगी, बैटरी जो कि 3200 mAh की रहेगी और कैमरा जो कि 2 MP का रहेगा जो कि स्क्रीन पे देख सकते हो और आप रीड भी कर सकते हो। अगर आप वाकई में इस फोन को खरीदना चाहते हो और अगर आपके मन में चल रहा होगा कि इसका बैक कैमरा कैसा होगा, तो प्रैक्टिकली मैंने इस फोन के बैक कैमरे से कई सारी फोटो खींची है, आप देख सकते हो। 6,500 रुपये के बजट में मुझे इसका जो कैमरा क्वालिटी है मुझे ठीक ठाक लगा। रही बात अगर आप इसकी कैमरा क्वालिटी का कंपेरिजन किसी बड़े स्मार्टफोन से नहीं करोगे तो ही इसकी कैमरा क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी। अरे यार, अगर आपको 4,500 में ये सब चीजें आपको मिल रही है तो फिर आप मन से कंपेरिजन करना बंद कर दो। फिर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो इसकी कैमरा क्वालिटी, मैंने कई सारी फोटो कैप्चर की है। तो अभी हम फ्रंट कैमरे को ऑन करते हैं तो ये रहेगा हमारा 0.3 MP का कैमरा। बंदे उससे पहले कोई बड़ा स्मार्टफोन को यूज कर रहा होगा तो उनको ये सुनकर जरूर हंसी आई होगी, यार 0.3 MP का कैमरे की क्वालिटी कैसी आती होगी। तो देख सकते हो मैंने कई सारी फोटो फ्रंट कैमरे से खींची है और कई जगह पे इसकी क्वालिटी अच्छी भी आ रही है और कहीं पर आपको निराश भी कर सकती है। तो अगर आप कम बजट में फोन खरीदना चाहते हो वो भी 4,500 रुपए में, जिसकी बैटरी ठीक ठाक चले, कैमरा क्वालिटी भी ठीक ठाक हो, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक हो, तो ये फोन आपके लिए परफेक्ट है। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त उसकी कीमत अमेजोन पे 4,500 रुपए बता रही है। क्या पता आप जिस वक्त वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त उसकी कीमत बढ़ जाए। अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हो। और इन तीनों फोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।